गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। तो एक ज़रूरी वीडियोस उन लोगों के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है, कल पेपर देने वाले हैं, और इस आज के दिन का जिन्होंने एनालिसिस वगैरह देखा, मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व किया, 10 तारीख का भी एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड पेपर, तो कल का 12 जुलाई को जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है, और या इवन जिनका 13 जुलाई को भी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको ऑलरेडी पता है पेपर बिल्कुल सेट पैटर्न पे आ रहा है, चाहे वो क्वांट्स का हो, रीजनिंग का हो, चाहे आपके इंग्लिश का हो। रीजनिंग का पेपर अभी भी सबसे इजी आ रहा है, आराम से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक कई बच्चों के मीनिंगफुल वर्ड में थोड़ा सा इशू होता है, तो वो चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी पेपर बहुत ही सेट पैटर्न आ रहा है, बहुत ही आराम से सॉल्व हो रहे हैं और टाइम के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 मिनट के अंदर बना रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्वांट्स जो आज का है, हल्का सा कल के मुकाबले थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव लगा, स्टिल रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स बच्चे नहीं कर पा रहे, बट स्टिल 10 जुलाई से थोड़ा सा बेटर, एक दो क्वेश्चंस बेटर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैंने देखा कंसिस्टेंट तरीके से। और इंग्लिश का आपका वही इजी टू मॉडरेट का लेवल आ रहा है। ये मत कीजिएगा, देखिए इंग्लिश में गलती ये हो जाएगी बच्चों से कि अपने लेवल से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपको अपना लेवल ऑलरेडी पता है, आपने इतने मार्क्स दिए, इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना, एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ओवर एक्साइटेड होके ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो आपका लेवल है, जैसा पेपर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिएगा। एक्यूरेसी पे खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, तो बस अपना बेस्ट दीजिएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कल जब मैं एनालिसिस ले रहूँगा, आप में से बहुत सारे लोगों से वैसे बातचीत होगी, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी बात होगी, लाइव बात होगी, तो आप सभी बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करोगे और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस अपना बेस्ट दीजिएगा, बाकी और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।